गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल. और मेरे प्यारे बीएससी सिक्स सेमेस्टर के बच्चे, मैं बार बार आपसे यही कहूंगी कि प्लीज आप बाहर मत निकले, क्योंकि कोविड स्प्रेडिंग ओवर एवरीवेयर. और कभी भी आप बाहर निकले और आपके वो लोग आपको वो चीज अफेक्ट करे, तो उससे अच्छा है कि आप लोग घर के अंदर रहें, क्योंकि समटाइम हम लोग की इम्यूनिटी फाइन होती है तो हम बच जाते हैं, बट हमारे जो फैमिली के अंदर बड़े बूढ़े होते हैं उनको ज्यादा इसका मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है. तो अल्टीमेटली हमें कोशिश करनी चाहिए बाहर ना. चलिए, लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस कि द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द कैप का एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ ऑफ द कैप का एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. तो उसमें मैंने आप लोगों को कैपिटल और लेबर के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, तो अब नाउ एक्सप्लेन द कैप का थर्ड फैक्टर, दैट इज द रॉ मटेरियल. क्योंकि आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल एक ऐसा फैक्टर होता है बेटा जो अल्टीमेटली बिना जिसके यू कांट डू दिस एनीवन. आगे मेरी बात समझ में कि बिना रॉ मटेरियल के आप कुछ नहीं कर सकते. आप देख सकते हैं कि व्हाट इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल वो चीज होती है जो अल्टीमेटली जिसके साथ ही आप अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके मतलब जो भी व्यापार आप कर रहे हैं उसको आप एक सही लाइन पर क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. क्योंकि देखिए क्या होता है, सपोज लेट्स से कि आई एम द मेकर ऑफ द क्या कहते हैं, आई एम द मेकर ऑफ द कैप का रेडीमेड गार्मेंट. मैं एक रेडीमेड गार्मेंट की मैन्युफैक्चरर हूँ. ठीक है, तो अब मान के चलिए कि मुझे मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा. मेरे लिए रॉ मटेरियल इज अ फैब्रिक. आगे मेरी बात समझ में. अब मान के चलिए कि मैं किसी से 1 लाख शर्ट बनाने का क्या ले लेती हूँ, ऑर्डर ले लेती हूँ. अब मान के चलिए कि अगर मैं 1 लाख शर्ट बनाने का ऑर्डर लेती हूँ तो आई वॉन्ट द कैप का थ्रेड भाई उसको सिलने के लिए, आई वॉन्ट ऑल द कैप का मशीन जहाँ पर वो शर्ट सिली जाएंगी. ठीक है, आई वॉन्ट द कैप का स्टाफ लेबर. And the most important thing, I need the cap of fabric for the cap of manufacturing the cap of all the shirts, making all the cap of shirts. So, uske liye I need to cap ka available the cap of material for 1 lakh shirt. आगे मेरी बात समझ में कि मतलब मुझे 1 लाख शर्ट बनाने के लिए जितने कपड़े की आवश्यकता है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा बिफोर द कैप का टाइम. क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि टाइम पर मुझे यहाँ से मिल जाएगा वहां से मिल जाएगा, तो यू नेवर नो द कैप का मार्केट कंडीशन एंड यू नेवर नो द कैप का पॉलिटिकल कंडीशन. और एक नेचुरल कैलेमिटी को तो अब आप देख ही सकते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 1.5 साल हमारा कहाँ खत्म हो जाएगा इस महामारी के चक्कर में. यू नेवर. आगे मेरी बात समझ में. तो अपनी किसी भी काम, अपनी किसी भी गतिविधि, चीजों को स्थापित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है. और कच्चे माल की आवश्यकता को ना केवल आप लोगों को समय पर पूरा करना होता है, बल्कि हमें पहले समय से पहले उसके लिए अरेंजमेंट करना होता है. क्योंकि अगर हम समय से पहले अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो नेसेसिटी ऑफ रॉ मटेरियल हार्डली नीड्स एनी एम्फेसाइज फॉर द एस्टैब्लिशिंग एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. देयरफॉर इट्स इन्फ्लुएंस इन द इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. बिल्कुल सही बात है कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ठीक है रॉ मटेरियल का होना क्या है, बहुत आवश्यक है. क्योंकि उसके बिना, क्योंकि रॉ मटेरियल के अभाव में ना कोई उद्यम स्थापित किया जा सकता, ना ही एक उद्यमी का उदय हो सकता है. यू नो वेरी वेल ना, ऑफ कोर्स इन सम केसेस इट कैन बी कंपनसेटेड विद द कैप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ठीक है, द जापानीज केस फॉर एग्जांपल विटनेस द लैक ऑफ रॉ मटेरियल क्लियरली इट डज नॉट प्रिवेंट एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम इमर्जिंग बट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन द एंटरप्रेन्योरशिप टू प्ले. बिल्कुल, अगर हम बात करें कि अगर हम जापानीज के, अब हम जापानीज जैसे तो नहीं है, जापानीज तो क्या करते हैं अगर उनके पास मटेरियल नहीं है तो वो तो सीधा क्या नई टेक्नोलॉजी क्या कर देते हैं, विकसित कर देते हैं. तो कितना उनके में और हमारे में कितना क्या है डिफरेंस है, आप ये देखिए कि अल्टीमेटली वो बहुत कम होता है कि जहां पर वो किसी नई टेक्नोलॉजी के मतलब वो रॉ मटेरियल के अभाव में एक नई टेक्नोलॉजी बना दी जिसमें उस रॉ मटेरियल की कमी को क्या करते हैं, पूरा कर दी. बट वी आर नॉट लाइक द कैप के जापानीज एंड चाइनीज, हम नहीं है ऐसे. तो हम लोगों को तो अपने समय से, जैसे वही कहना कि हर बच्चा अपने लिए अपने जैसा नहीं है. इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या किया बताया है. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका, इज द कैप का मार्केट. बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली एक एंटरप्रेनर के लिए, एक एंटरप्रेनर के अपनी मार्केट, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या होना मस्ट होता है, उसके लिए मस्ट हो जाता है आपकी मार्केट. बिना मार्केट के, बिना मार्केट के विकास के लिए, उद्यमिता के विकास के लिए मार्केट और मार्केटिंग की भूमिका और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है. आधुनिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में कोई भी उद्यमी बाजार और विभिन्न विपणन तकनीकों के बारे में नवीनतम ज्ञान के अभाव में जीवित रहने के बारे में नहीं सोच सकता. बोल तो दिया इन्होंने कि अल्टीमेटली बिना मार्केट के, देखिए सीधी सी बात है, अगर इट इज नो मार्केट, दो नो क्या आपका एंटरप्रेनरशिप. हम एक एंटरप्रेनर
पहले पूरी तरह से मार्केट को एनालाइज करता है कि मैं किस मार्केट में, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ये जानना जरूरी है कुछ भी बनाने से पहले कि उसका अल्टीमेट कस्टमर कौन है, उसको अपना सामान बेचना कहाँ है, कहाँ के लिए वो बना है, किधर वो बेचने वाला है, कैसे वो करने वाला है। तो वो ये उद्यमिता के विकास के लिए ठीक है मार्केट और मार्केटिंग की भूमिका और महत्व बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है। एंड आधुनिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में कोई भी उद्यमी बाजार और विभिन्न विपणन तकनीकों के बारे में नवीनतम ज्ञान के अभाव में जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन किया ठीक है। इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब जैसे अब हम बात करती हूँ किसकी, अब जो क्योंकि अल्टीमेटली हमने जितने भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वी ऑलरेडी डिस्कस इन द कैप क्या कहते हैं इन दिस क्लास एंड द लास्ट क्लास। नाउ वी शुड डिस्कस द कैप का नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ अगर हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को किसी भी उद्यमिता को अगर आर्थिक कारक क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, तो जो गैर आर्थिक कारक होते हैं वो भी क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो तुम्हारे ये वाले नोट्स हैं जो मैं तुम लोगों को ये जो वीडियो क्या कर रही हूँ प्रोवाइड कर रही हूँ ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली जो आर्थिक कारक है वो क्या क्या है। जैसे कि सामाजिक स्थिति अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे सामने आती है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति सामाजिक सोशल कंडीशन, नो वन कैन अंडर इट द सोशल एनवायरमेंट इन अ कंट्री ठीक है विच एक्साइज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ठीक है ऑन द इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट आर एज फॉलो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कोई भी कंट्री की कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बिना किसके सोशल कंडीशन को बिना कंसिडर किए नहीं चल सकती, ये बात बिल्कुल फैक्ट है ठीक है। क्योंकि उसके किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी उद्यमिता के इमर्जेंस के लिए सोशल कंडीशन बेस्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समाज जब तक आपको अपनाएगा नहीं तब तक समाज के अंदर वो चीज आप नहीं डेवलप कर पाओगे जो आप चाहते हो। इज इट क्लियर गाइस? तो उसके लिए सबसे पहले जो भी काम आप कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट इज द क्या आपका कि जो आपकी क्या कहते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है उद्यमशीलता की वैधता। इसका मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो आपका वैध होना मस्ट है, क्योंकि अगर वो चीज इलीगल है तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। क्योंकि अल्टीमेटली आज अब कोई भी चीज को मतलब आपने कुछ भी नया सोचा बट वो अगर इलीगल है तो वो कभी ना कभी समय रहते रहते क्या हो जाएगा, आपको खत्म हो जाएगा और कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन ना प्रोपोनेंट्स ऑफ द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर गिव एम्फेसाइज टू द रेलेवेंस ऑफ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स एंड द क्या आपका वैल्यू विद इन सोशियो कल्चर ठीक है सेटिंग फॉर द इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो सिस्टम इज रेफर्ड एज लेजिटिमेसी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस डिग्री ऑफ अप्रूवल डिसअप्रूवल ग्रांटेड ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस इमर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट इमर्ज। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड द टर्म क्या आपका क्या इट इज अ कल्चर थीम एंड सेंक्शन। बिल्कुल सही बात है कि अगर मान के चलिए कि हम बात करें किसकी उद्यमिता की, तो जब तक वो वैध नहीं है, अब मान के चलिए मैं बिजनेस शुरू करती हूँ किसका आपका आर्म्स एंड एमिनेशन का, कहीं ना कहीं से मैंने चोरी करके खरीद ली है और उसको मैं बेच रही हूँ, ये इसको केवल वो लोग खरीदेंगे जो इलीगल काम करते होंगे ठीक है। जो लीगल काम करते होंगे वो कभी भी इसको नहीं खरीदेंगे। आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि जो लीगल करता होगा काम जो लीगली मतलब किसी भी आर्म्स मतलब किसी भी गन को या किसी को खरीदेगा वो तो लाइसेंस वाली खरीदेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही वो अगर ओपन नहीं कर सकता है तो वो केवल लाइसेंस वाली गन का कर सकता है, किसका इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इलीगल तरीके से उसने खरीदी होगी उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मान के चलिए कि मैं अगर किसमें लगी हुई हूँ, मैं नंबर टू का काम लाइक जैसे मैं बाजार से कुछ भी उठाती हूँ लाइक क्या कहते हैं मैं ड्रग्स का काम करती हूँ, तो ठीक है वो मेरी सोच है बट अल्टीमेटली उससे मैं दुनिया का क्या कर रही हूँ नुकसान कर रही हूँ, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो इलीगल है। मतलब जिसको लॉ फॉरबिड करता है किसी भी तरीके से तो वो उद्यमशीलता आपकी बिल्कुल बेकार है। सोशल कंडीशन के साथ साथ सोशल कंडीशन के अंदर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ठीक है, वो क्या होती है आपकी उस जो भी काम आप कर रहे हो उसका वैध होना, वैध मतलब लीगल होना, क्योंकि अगर वो इलीगल है तो खत्म। इज इट क्लियर गाइज? और इसके साथ ही मैं अब आप लोगों से अलविदा लूंगी ठीक है। और मैं बार बार आपको बोलूंगी कि कोई भी चीज अगर आप लोगों के लिए को नहीं समझ में आती है किसी भी तरह से आपको नहीं कोई चीज गारंटी ही लगता है कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं है या कुछ भी है या आपको लगता है कि हमें और मुझे ज्यादा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है,
ठीक है, कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी में समझाऊँ, ठीक है, बट फिर भी अगर कहीं मेरी कोशिश फेल होती है तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके बाय गाइस, टेक केयर।